आधी रात को तेज प्रताप होटल से आउट हो गए। असली ये बेहद अहम खबर है। वाराणसी से आ रही है ये खबर, जहां बिहार के मंत्री तेज प्रताप सिंह एक होटल संचालक के खिलाफ बदसलूकी का मामला दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे। आरोप है कि जिस होटल में वो रुके हुए थे, देर रात उनका सामान कमरे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद तेज प्रताप खफा हो गए और होटल छोड़कर चले गए। होटल प्रबंधन ने सफाई दी है कि उनकी बुकिंग सिर्फ एक दिन की थी, इसीलिए रात 12 बजे के बाद उनका सामान हटाया गया। तेज प्रताप को लेकर के बनारस में खासा हड़कंप मचा हुआ है। तेज प्रताप वाराणसी दौरे पर थे और रोडवेज स्थित एक होटल में वो रुके हुए थे, और इस दरमियान होटल कर्मियों ने उनके स्टाफों का, उनका साथ और उनके जो सहयोगी थे, उनका लगेज निकाल करके सिक्योरिटी रूम में रख दिया, जिसके बाद से तेज प्रताप खासा नाराज भी हुए। पुलिस को उन्होंने सूचना दी और लिखित शिकायत की। इस वक्त हम उसी होटल के बाहर खड़े हैं। आप बाहर का नज़ारा देख रहे होंगे कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और बाकायदा पूछताछ कर रही कि किस प्रकार तेज प्रताप यादव यहाँ पर कब से आए हुए थे और कैसे रुके थे, और उनके साथ जो ये जो घटना घटी वो क्या थी, और क्यों उनका जो सामान है वो बाहर निकाला गया। इसके साथ ही ये पूरी एक नई होटल यहाँ पे खुली हुई है, और पुलिस जो पहुँच करके यहाँ पर पूरा उन चीज़ों का जानकारी ले रही है जो तेज प्रताप जी ने अपने लिखित शिकायत में लगाया है। तेज प्रताप जी ने लिखित शिकायत में ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ यहाँ पर बदसलूकी हुई, और जब वो अस्सी से भ्रमण करने के बाद यहाँ होटल में आए तो उनका जो लगेज है वो रूम के बाहर निकला हुआ, तो उनके सहयोगियों का बाहर निकला हुआ था। ऐसे में तेज प्रताप यहाँ पर आकर खासा नाराज हुए। हम इस वक्त उसी होटल में हैं और आप यहाँ पर रिसेप्शन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कर्मचारी यहाँ पर हैं, और जो तेज प्रताप थे वो रात को नाराज होने के बाद यहाँ पर आकर बैठे हुए थे और खासा वो नाराज दिख रहे थे। हालांकि जो होटल कर्मी हैं उनका ये कहना है कि हमने उस वक्त उनको मनाया भी और समझाया भी, हमारा जो रूम है वो बुक था, पहले से बुक था, और तेज प्रताप जो थे वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे। दो रूम जो होटल में उन्होंने बुक किया था, और चूंकि एक रूम ऑलरेडी मेरा बुक था, पहले से बुकिंग थी, इसलिए हम लोग उनके सहयोगियों का जो रूम था वो सामान निकाले थे, और सामान निकालने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी रूम में ले जाकर रख दिया था, और हम लोग व्यवस्था करते दूसरे रूम की, लेकिन तब तक तेज प्रताप यादव यहाँ पर आ गए थे और वो पूरे जो लगेज का जो पूरा सामान बाहर निकला था उसको देख करके खासा नाराज हुए थे। होटल कर्मी भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, तेज प्रताप यादव, नो कमेंट। क्या पूरा ये तो बता दीजिए कि भाई तेज प्रताप भी आए हुए थे, उनका जो सामान जो निकाला गया था वो क्या था? एक्चुअली सर, हम शिफ्ट में नहीं थे उस टाइम। हाँ, दूसरा अभी, अच्छा ठीक है, अभी पुलिस आई, वो क्या पूछ रही थी? उन्होंने हमसे कोई सवाल नहीं किया, उन्होंने मालिक से बात करने के लिए कोशिश की है, अभी मालिक हमारे आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, तो तेज प्रताप जी जब यहाँ पर आए तो उनका अभी आपके होटल जो जनरल मैनेजर है उनका ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन गैप था, तो क्या ये मिसकम्युनिकेशन गैप था? तो मैनेजर ने कहा है तो फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, आई थिंक मैं ड्यूटी पे था नहीं, जो थे वो बता रहे हैं। तो फिर अच्छा, तेज प्रताप यादव जी यहाँ पर आकर रुके हुए थे? हाँ, रुके हुए थे। कितने दिन से रुके हुए थे? आई थिंक परसों रात में आए हुए थे। परसों रात को आए थे, तो कल तेज प्रताप यादव अभी रुके हुए कि निकल गए? फिर रात को बता नहीं सकते ना, हमारी शिफ्ट ऑफ हो गई थी 4 बजे। नहीं, अभी आप शिफ्ट में हैं, तो तेज प्रताप यादव अभी हैं कि निकल गए? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी नहीं निकल गए, उनके दोनों स्टाफ खाली हो गए, अभी तो बता नहीं सकते। तो देखिए, तेज प्रताप यादव पूरे घटना के बाद वो यहाँ से निकल गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव खासा नाराज हुए थे, और उनकी नाराजगी इसलिए थी कि बिना उनको बताए, बिना उनको किसी सूचना के उनका पूरा सामान निकाल दिया गया था, और इसकी उन्होंने लिखित शिकायत भी की। वहीं पुलिस वालों का कहना है कि हम ये पूरी पूछताछ करने के बाद जो रिपोर्ट बनाएंगे वह रिपोर्ट हम यहाँ के जिलाधिकारी को सौंपेंगे, और उसके बाद जिलाधिकारी इस पूरे मामले पर जाँच या फिर कार्रवाई करेंगे। रवि पांडे, News18 वाराणसी। और ये बेहद अहम खबर भी है, क्योंकि ये खबर वाराणसी से, जहां आरोप तेज प्रताप यादव ने लगाया कि उनके और सहयोगियों के कमरे से सामान निकाल दिया गया था और सिक्योरिटी रूम में रखा गया। तेज प्रताप के सहयोगी ने यह बयान दिया कि दरअसल उनकी सुरक्षा में कुछ और लोग तैनात थे, जिनको साइड का ही रूम दिया गया था, और उनका सामान बगैर जानकारी के निकालकर दूसरे सिक्योरिटी रूम में रखवा दिया गया, और इनके सामान को भी खोलकर देखने की कोशिश की गई।